सूरा मेरे मज पम्मा डठन बिर मनी सिखा पदिंग समाधियानी। हम ज्यादा से इकट्ठा रहें, झुंड में रहें, क्योंकि किसी जानवर तक को, मतलब आप जानवर तो बहुत बड़ी चीज होगी, कीड़े मकोड़े हो गए या छोटे छोटे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी देखेंगे, तो उन सबको ये पता है कि हम सिर्फ तब तक जीवित रह पाएंगे जब तक हम इकट्ठे हैं। अगर हम साथ हैं तो हमारा जीवन है, अगर हम साथ नहीं हैं तो उस होते ही हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और मर जाएंगे। तो जो संघ है वो बाय नेचर, बाय द फैक्ट ऑफ बायोलॉजी हमारे अंदर है, हमारे एक एक अंदर संघ और उसके नियम है। बस छोटी सी बात यह है कि हम उन्हें भूल गए हैं, हमने हमारे ध्यान है उससे भटक गया है, हम दूसरे लोगों में या उनके मुद्दों में या दूसरा जो कल्चर है इधर उधर खिंच गए हैं, बट गए हैं, टूट गए हैं, हमारे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, हम इकट्ठे नहीं है, हम बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में समर संघ अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने संगी साथियों को इस चीज के बता रहा है, डेली बता रहा है, रोज जुड़ जुड़ के बता रहा है, रोज जुड़ के दिखा रहा है, देखो हमें साथ है, हम साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे, हम साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, हम साथ रहेंगे तो हमारा आगे डेवलपमेंट होगा, हम और ज्यादा समृद्धि पाएंगे, हम और ज्यादा बढ़ पाएंगे। पर जैसे टुकड़े हो जाएंगे, हम दूर दूर रहेंगे या टुकड़ों में रहेंगे, तो हमारा जो वजूद है वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा। संघ की शुरुआत ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले से बता दिया बैठ के कि ये वाले नियम है या ये वाले नियम है और इनको मानो, नहीं। चलिए, आपको पता है कि आपको अपने अपनों के साथ रहना की ताकत बनती है, और इसी से आपको ये रहता है कि अगर कोई कोई आपदा आ रही है तो हमें कैसे उसको फेस करना है एक साथ है, वो हमें ये सिखा रहा है। जो हमारा समर संघ है इसके 10 बेसिक नियम है, जो नियम अभी बच्ची ने भी बताए थे बहुत बेहतरीन तरीके से, उन्होंने एक्सप्लेन करा सबको कि वो क्या क्या नियम है, एक एक नियम करके उन्होंने एक्सप्लेन करा, तो मैं टाइम दोबारा वेस्ट नहीं करना चाहती, सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे 10 अमर्त्य विनय है, जिन्हें जो मर नहीं सकते, जो खत्म नहीं हो सकते, जिन्हें तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, जिनसे क्षण नहीं की जा सकती, तो हमारे अमर्त्य विनय है वो हमारे भारत के संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूल ढांचा है, उसके ऊपर या उसी की तरह से बेस्ड है। जो हमारे संघ का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी संघ की नींव है, जो हमारी संघ की फाउंडेशन है, जिस चीज पे हमारा संघ पूरा खड़ा है, ये 10 अमर्त्य विनय है। जो शुरुआत के पहले अमर्त्य विनय से छठे अमर्त्य विनय तक जो गोल्डन रूल्स है हमारे सारे, वो सारे गोल्डन रूल्स आपको पता ही है, वो सबके पास है, सबके ग्रंथ में भी लिखे हुए हैं, लेकिन उनके माध्यम से एक अलग तरीके से अगर बताना चाहें उसे, तो वो ये हो सकता है कि जो हमारा पहला अमर्त्य विनय है केवल समर, वो ये बहुत सिंपल सी बात बता रहा है कि आप और आपके अपने वो साथ रहें। इस संघ के जो मेंबर हैं, वो जो आप और आपके अपने हैं, जो आपके ही जैसे लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, वो है। जो दूसरा है वो बस हमारे अंदर का जो ग्रीड है, जो लालच है, जो लोभ है, उसे खत्म करता है चंदा कभी नहीं से, क्योंकि पैसा जो है वो हमारे अंदर लालच या लोभ बनाता है, तो दूसरा अमर्त्य विनय हमें उस चीज से बचाता है। तीसरा अमर्त्य विनय जाति का अभ्यास कभी नहीं, वो हमें डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह के अपने इंसान से ऊंच नीच का या भेदभाव करना या ऊंच नीच का भाव रखना या मैं बड़ा और मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुझसे ऊंचा हूं, मैं तुझसे बेहतर हूं, ये चीज को खत्म करता है। चौथा जो अमर्त्य विनय है वो कि गलत या भी बात को खत्म करता है, कि जो भी बात होगी वो संघ की ही होगी और संघ
बीच में होगी, संघ की बात होगी, और संघ के जो 10 गोल्डन नियम है उनके ऊपर होगी, उनपे आधारित होगी। तो पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच, ये हमारे अंदर के ईगो, हमारे अहंकार को। और जो छठा है हमारा मतलब है पंजीकरण कभी नहीं, बुद्ध के नॉट बी लॉन्ग, द सन द मून एंड द ट्रूथ। बुद्ध ने ये कहा है कि तीन चीजें हैं धरती पे जो बहुत लंबे समय तक छुपा के नहीं रखी जा सकती, एक तो सूरज है, एक चंद्रमा है और एक सच है। तो जो हमारा संघ है वो हम, क्योंकि वो बायोलॉजिकली हमारा, वो इस धरती पे जितने प्राणी हैं, जितने पैदा हुए हैं, जितने मरे हैं, उनके अंदर है, ये एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। तो जो चीज फैक्ट है उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराने की या उस चीज को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है, आप उसमें कितना ही बोलो कि ये कोक है या लिमका है या स्प्राइट है या कुछ भी जूस है, रहेगा तो पानी ही ना। उस सच को का क्या करना है, वो जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा। इसीलिए संघ को किसी भी तरह के प्रूफ की या रजिस्ट्रेशन जैसी छोटी चीज की जरूरत नहीं है। जहां 10 संघी खड़े हो गए वो हमारा संघ बन गया, जहां 1,000 संघ, संघी करोड़ों संघी खड़े हो गए वो हमारा संघ है, ये तो फैक्ट है। जहां भी दो वो संघ है, ये हमारा फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको किसी तरह के प्रूफ या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो जो ये 6 हमारे अमृत विनय हैं, जो हमारे पहले 6 गोल्डन नियम है, ये बहुत ही, ये ऐसे नियम है जो आप अपने बच्चे को सिखाते हो कि बेटा ये खाना ठीक है, ये है। या बेटा सुबह उठना अच्छा होता है, या बेटा पढ़ाई करो, करो या नहाओ धो, साफ सफाई से रहो, जो भी आपने बच्चों को सिखाते हैं, ये जो 10 महीने हैं ये बिल्कुल उसी के बराबर है, उतना ही सच है। और वो चीज आप अपने आप से ही अपने बच्चों को सिखाते हो, लालच नहीं होना चाहिए, अहंकार चाहिए, मैं चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये संघ के पहले 6 नियम है जो सच्चाई पे बेस्ड है, जो फैक्ट, दे डोंट नीड एनीबडी टू रजिस्टर देम और टेल, अच्छा इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ऐसे करेंगे, नहीं, ये सच है, सत्य सत्य, और ये सच है और इसको ऐसे ही माना गया है संघ में। जो हमारे 3 नियम है, 7वां नियम, 8वां नियम और 9वां नियम, ये हमारे और उसके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जैसे 7वां नियम है संघाधीशेष सब पर, जो संघ का आदेश होगा वो सबसे ऊपर होगा, सभी संघियों को उसको मानना होगा क्योंकि वो सभी संघियों ने एक साथ मिलकर लिया होगा। जो संघ आदेश लेगा, का मतलब ये नहीं कि कोई एक इंसान है अलग से कोई आदेश दे देगा, संघ का मतलब ये जितने भी संघी हैं वो साथ में ही मिलके एक निर्णय लेते हैं, किसी भी मुद्दे को डिस्कस करते हैं साथ में मिलके और उसका निर्णय लेते हैं। जो 10 संघियों ने साथ में बैठ के निर्णय लिया, वही 10 संघियों को उन सब ने अप्लाई होगा, उन सबको वो मानना पड़ेगा, वो चाहे 1,000 संघी है चाहे लाखों, जितने संघी है वो सब साथ में निर्णय लेंगे सब, क्योंकि साथ में निर्णय लेते हैं को भी उसको मानने से कोई भी परेशानी नहीं होती, सबको पता है कि ये सबके भले के लिए होता है। जो 8वां अमर्त्य विनय है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, कि जस्ट लाइक मनी, पावर ऑल्सो पल्यूट्स द ह्यूमन एंड द ह्यूमन हार्ट। तो इसीलिए अगर हम एक इंसान को पावरफुल कर देंगे या उसको पावर में रखेंगे या व्यक्ति के पीछे चलने लगेंगे, उसके पीछे भागने लगेंगे, तो बढ़ जाएगा, हम सब नीचे रह जाएंगे। लेकिन संघ तो इसके खिलाफ है, क्योंकि संघ में किसी भी तरह की नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्ट्रॉय करता है, संघ खत्म करता है। इसीलिए संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा या उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये हो सकता है कि अगर कोई एक पॉलिटिशियन है जो हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, वो एक संघी, लेकिन वो एक्टिव संघी नहीं, एक्टिव स्पोक नहीं होगा, वो एक पैसिव संघ का मेंबर, कि वो उसका बर्थ राइट है कि आप अगर समण हो और आप समण पैदा हुए हो तो अर्थ राइट है कि आप संघ के हिस्से हो, आप उससे अलग नहीं हो सकते, आप ना मानो वो एक, आप वो संघ का हिस्सा ही। तो पॉलिटिशियन संघ ही हो सकता है, तो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता। ऐसा ही नौवा हमारा नियम है, घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी। काफी ऑब्वियस है ये अपने आप में ही, हमारे संघ या हमारे मेंबर्स को किसी भी तरह से बहला फुसलाना चाहेगा, कुछ करना चाहेगा हमारे समाज के प्रति, हमारे संघियों के प्रति, हमारे समणों के प्रति, कुछ
करना चाहेगा, उसको हम संघ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा, किसी भी तरीके को टॉलरेट नहीं करेगा, और जो सपोर्ट में होंगे लोग उनको भी टॉलरेट नहीं, इसलिए संघ में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं लाया जाएगा, उनको ज्यादा संघ से दूर ही रखा जाएगा। तो जो ये तीनों नियम थे, सातवां नियम, ये हमारे संघ और उसकी प्रोटेक्शन और उसके मेंबर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। और दसवां नियम है, जैसे कि बताया अभी बहन जी ने भी, कि जो हमारा दसवां नियम है वो इन सभी 10 जो मतलब इन्हें है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए है। उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो ये है हमारे 10, मतलब इन पे हमारा संघ बेस्ड है। अब रही बात कि हमारा जो समाज है उसमें इतनी परेशानियां क्यों हैं, या वो आप भी मतलब कोशिश कर रहे हैं, या इतने हमारे संगठन, इतने हमारी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या? क्योंकि आज महिला विशेष है, इसीलिए स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए है, मेरी समण बहनों के लिए है, समण माताओं के लिए है, कि बाबा साहब ने हमें, हम औरतों को, इस देश की औरतों को आदमियों की खबर आने का उन्होंने मौका दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आदमियों की इक्वल राइट्स दिए कि जो आदमी कर सकते हैं इस देश में वो औरतें हैं। और बहुत देशों में, बल्कि आज के दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है अमेरिका, कुछ 200-250 साल तक औरतों को ये राइट नहीं मिला था, लेकिन हमें बाबा साहब की वजह से ये राइट मिला, जितनी भी महिलाएं हैं, कि जो पुरुष कर सकते, बाबा राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, हक दिए हैं उन्होंने, हम अपनी सुविधा के लिए एंजॉय करें। लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ, राइट्स के साथ साथ, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां, कि अगर हमारा जो 50% समाज है, जो हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं, वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी औरतें हैं वो चूल्हे चौके में फंसी हैं, वो बच्चों में फंसी हैं, वो घर में हैं, बाहर नहीं जा सकती, तो इसीलिए वो समाज के काम को, कभी वो समाज के काम को ऐसे समझती कि अच्छा ये कर रहे हैं, ठीक है ये आदमी है, ये कर रहे हैं। लेकिन हम महिलाओं को, हम समड़ियों को, कि हमारा समाज सिर्फ पुरुषों से नहीं बनता, सिर्फ हक या नियम या जिम्मेदारियों में, संविधान में लिख नहीं दिया है कि हम 50% है, हम हैं सच में इस समाज के हिस्सेदार हैं। जितना आदमी है उतना औरत भी है, लेकिन देखेंगे तो जितने आदमी है उतने औरत नहीं है। और हमारा जो समर 28 साल से इसी चीज पे काम कर रहा है, जो संघ है, उसमें औरतों को पहली बार हमारे समाज में ये हुआ है कि संघ के थ्रू हमारी जो औरतें हैं उनको उतना ही बोलने का या उतने का मौका दिया जा रहा है जितना आदमियों को दिया जा रहा है। क्यों? और ये परेशानी नहीं, औरतें घर के बाहर नहीं जा सकती, कहाँ सड़कों पे नारे लगाएं, या आपको ये नहीं करना है, आपको बस शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे, चाहे रोटी बना रही है, खाना बना रही है, अपने परिवार के साथ खाना खा रही है, आप जो भी कर रही है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ किताब पढ़ रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, आप कर रही है, आपको बस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हमारे साथ जुड़ना है, बस इतनी सी बात है। जो हमारी महिलाएं हैं वो अपनी और बहनें, अपनी भाभी, नंद, बहन, माँ, मौसी, फूफी, चाची, जो भी है, उनको सिर्फ बैठे बैठे एक जगह से ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, एक लिंक के थ्रू डेली मिल सकती है। आपको किसी तरह की मेहनत नहीं करनी है, आपके पास एक ऐसा यंत्र है आज की तारीख में, फोन, जो 2400 घंटे आपके पास रहता है, और उसकी मदद से आप संघ की बातें जगह जगह कहीं भी फैला सकते हैं, जितना चाहे। आपको घर से बाहर एक कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको धूप में गर्मी में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फोन में जुड़ना है, अपनी बातें अपनी बहनों तक पहुंचानी है। हमारा जो समण ग्रंथ है वो भी ऑनलाइन है, आपको बस वो फॉरवर्ड करना है, आपको अपने जो अमत्त्व विनय है बस वो समझाना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी बताया गया कि जो शुरू के जो 6 अमत्त्व विनय है, वो तो ऐसी बातें हैं जो आप अपने बच्चों को डेली में सिखाती हैं, बस
क्योंकि अपना कल्चर नहीं पता या अपने कल्चर को किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी बाहरी फोर्स की वजह से दबा के रखा हुआ है, तो इसीलिए हम बता नहीं पाते उस तरह से, वो चीज सिखा नहीं पाते। तो ये सभी महिलाओं से, समड़ियों से, सभी जितनी बहनें हैं यहाँ जुड़ी हुई, या जितने हमारे समण पुरुष भी हैं, उन सभी से ये एक बहुत बड़ा निवेदन है कि आप अपनी और बहनों को, और ज्यादा जो आपकी बीवियां हैं, जो उनके, जो आपके रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, आस पड़ोस में जितने जानकारी हैं, दोस्त बंधु हैं, आप उनमें ये लिंक और ये बातें आप डेली डेली फॉरवर्ड करिए। कुछ नहीं होगा, जुड़ेंगे कभी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन एक बार जुड़ गए और एक बार बात समझ में आ गई, वो बस एक ही बार में आ जाएगा कि अरे वाह, हमारे पास तो इतनी बड़ी बैकिंग है, हमारे पीछे इतना बड़ा समाज है कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे मदद करने वाले इतने हैं। हम अकेले ही झेल रहे हैं सारे दुख दर्द, जो भी परेशानी है, जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है, वो हम अकेले ही झेले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो लोग हैं वो इतने सारे हमारे साथ जुड़े हैं। जब भी किसी इंसान को ये पता लगता है कि उनके साथ कोई है, उनका साथ देने वाला कोई है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो वो इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता उस चीज से, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें चाहिए लोग अपने साथ, हमें चाहिए कोई अपने साथ जो हमारे सुख और दुख में हमारे साथ रहे। तो जुड़ना बहुत आसान है, बस इतनी सी बात है कि इस चीज को, आइडिया को आप प्रोपोगेट कैसे करते हो। बाबा साहब ने कहा था दैट एन आइडिया नीड प्रोपोगेशन टू बी रियलाइज एज मच एज अ सीडलिंग नीड्स वाटर एंड केयर टू ग्रो। जितना एक छोटी सी पौध को पानी चाहिए या केयर चाहिए उगने के लिए, उतना ही आपके जो आइडिया है, आपके जो विचार हैं, आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो पूरा जो आपका बैकग्राउंड है, उसको सचमुच, या उसको भी, उसको सच बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फैलाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ बात करने की जरूरत है आपस में, उसको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन चाहिए। आप जितना अपने लोगों से बात करेंगे उतना ही वो समझेंगे। एक बार में नहीं समझेंगे, दो बार में समझेंगे, दो बार में नहीं समझेंगे, 10 बार में समझेंगे। लेकिन किसी भी इंसान को ये बुरा नहीं लगेगा कि उसको बैक करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसके साथ के लिए, उसके साथ उसी के और लोग हैं। क्योंकि हमारा जो संघ में रहने का जो हमारा तरीका है, वो बेसिक ट्रस्ट पे बेस्ड है। तो आप कभी भी देखेंगे कि हम संघी जितने मिलते हैं, डेली मिलते हैं, चाहे कोई नए भी संघी आते हैं, उनसे भी हंसी खुशी से मिलते हैं, और कुछ दिनों में देखते हैं, हफ्ता भी नहीं कि वो भी अपने ही हो जाते हैं, सब अपने ही हो जाते हैं। को अपना होना अच्छा लगता, किसी को भी अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, ये एक नेचुरल बात है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जितनी महिलाएं हैं, आपको एक पोर्टल मिला है, आप इसमें जुड़ें, अपनी और जितनी आपकी सखियां हैं उन्हें जोड़ें, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके आस पड़ोस में आप मिलते हैं, शाम को घूमते हैं, चाय पीते हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ें। क्योंकि ये जो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल का मौका है, ये पहले कभी नहीं हुआ है कि हमारे समाज को जुड़ने के लिए इतनी छोटी सी और इतनी आसान सी चीज मिल गई। आजकल सबके पास डिजिटल फोन्स है, एंड्रॉयड फोन्स है, सबके लिए बहुत आसान है जुड़ना। तो सभी महिलाओं से ये निवेदन है, ये सभी महिलाओं से एक बहुत गहरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को, आपको बाहर समाज में नहीं जाना, चारों में, बहनों में, बंधुओं, जितनी आप उन्हीं उसी सर्कल में ही आप इसको फैलाएं ज्यादा से ज्यादा। और जैसे कोई समन पुरुष है, वो समाज में जाके, जो स्पोक है हमारे, कोई भी है, वो बाहर समाज में जाके बताते संघ के बारे में, अपना विचार, जो संघ है, संघ जो आइडिया है, उसको फैलाते। ऐसे ही अगर वो पुरुष बाहर फैला रहे हैं, वही पुरुष अगर घर के अंदर अपने बच्चों को भी डेली डाइनिंग टेबल पर बैठ के छोटी सी बात हो गई, या साथ में खाना खा रहे हैं, या खेल रहे हैं, या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो धीरे से कोई एक गोल्डन रूल समझा दिया, या किसी किस्से के थ्रू एक अमृत विनय का उन्होंने बता दिया कि पैसा का लाभ लोभ नहीं करना चाहिए, हमारा जो संघ है, हमारे जो संगति है, उसमें पैसे के मायने नहीं है, उस इंसान के मायने हैं,
जितने आप साथ रहोगे, जितने आपके साथ आपके लोग हैं, उनके मायने हैं। तो आप ये छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। जो हमारी महिलाएं हैं, अक्सर जो महिला होती है उनको ये लगता है कि हमारा जीवन इसी चीज में सफल, अगर हमने अपने घर को अच्छा कर लिया, हमने अपने अच्छे से पाल पोस लिया, उनकी सेहत बनी हुई है, वो पढ़ लिख गए, वो जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, हमने अच्छी शादी कर दी और बच्चे सब, जो महिला होती है हमारे समाज की, वो इसी में संतुष्ट हो जाती है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी ये है। लेकिन आप ये सोचें बहने, कि अगर आप अपने बच्चों को जैसे ये सारी अच्छी चीजें सिखा रही हैं, अच्छा खाना पीना सिखा रही हैं, साफ सफाई सिखा रही हैं, ऐसे ही कल्चर को, जो संघ का कल्चर है, जो आपका अपना कल्चर, को अपने बच्चों में शुरू से ही डालना शुरू कर दें। ज्यादा शुरू कर, ज्यादा की बात नहीं है, जो आप अपने बच्चों को, मैंने जैसे अभी अभी जो संघ बता रहे थे, जो ने भी बताए, उन गोल्डन छोटे से तरीके से बताना है कि लोभ लालच नहीं करना है, या किसी से भेदभाव नहीं करना है, या किसी भी तरह का मन में बुरी इंटेंशन नहीं लगानी है, या फिर अपनों के साथ रहना है। ये सब तो आप सिखा ही रही हैं, लेकिन अगर आप इसे सिखाएंगी तो आपका घर और ज्यादा फलेगा फूलेगा, और इससे आपका परिवार एक तो इकट्ठा होगा और आपका परिवार बढ़ेगा, क्योंकि संघ भी आपका परिवार, सिर्फ आप आपके पति, आपके बच्चे, सास ससुर या माँ बाप, नंद देवर या जो भी हैं, भाई बहन जो भी हैं, सिर्फ ये परिवार नहीं रह जाएगा, आपका परिवार और बड़ा हो जाएगा। आप एक जगह पे बैठे हुए अपने देश विदेश में बैठे समणियों को, समणों को, आप उनसे एक जगह पे बैठे हुए सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपने बच्चों को भी मिलवा सकती हैं, खुद भी मिल सकती हैं, इतना बड़ा हमारा परिवार हो जाएगा। तो जो हमारी महिला है उनको अपने बच्चों को शुरू से ही, चाहे उन्हें सिर्फ ये बताएं शुरू में कि बेटा नमस्ते ना करके संघं नमामि करो, या आप नमो बुद्धाय या जय भीम, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो आपने बच्चों को हाय हेलो की जगह आप ये चीज सीख, तो ये शुरू शुरू में बच्चे बच्चे क्यूरियस होते हैं, सब बच्चे बहुत सवाल करते हैं, उन्हें हर चीज जाननी है, ये वो क्यों है, ये ऐसा कैसे बन गया, ये तो ऐसा नहीं था, अब कैसे ही? बच्चे सारे सवाल पूछते हैं। तो जब आप उन्हें नमस्ते हटा के संघं नमामि, तो बच्चा चाहे 2-5 बार बोले, वो 6ठी 7वीं बार मम्मी है क्या ये संघं नमामि, संघं नमामि का मतलब क्या है, ने ये पूछा। उसी दिन आप खुल के अपना जो कल्चर है, अपनी संस्कृति, अपना सांस्कृतिक आइडियोलॉजी है, जो हमारे विचार हैं, हमारे है, जो हमारे संघ को इतने दशकों तक, इतनी लाखों सालों तक, जिसने हमारे लोगों को एक साथ के रख, वो सिखा सकती है। वो बस एक छोटे से सवाल से शुरू हो जाए, आपको बहुत विस्तार में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द के नहीं समझाना, अपने बच्चों को छोटे तरीकों से सिखाएं, क्योंकि हमारे जो संघ के नियम है ना, वो भी ऐसे ही है, वो एक्चुअली है, वो बेसिक बातें हैं जो हम अपने बच्चों को संघ के तौर पे नहीं सिखाते हैं, अलग तरीके से सिखा देते हैं कि बेटा छीना छपटी नहीं करनी, के रहो मिलके रहो, क्या है केवल समझ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो मिलके ही रहते थे, लड़ो नहीं, उसको नीचे, उसको मारो नहीं, मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, जाति अभ्यास मत करो, इसका ये मतलब, लड़ाई मत करो, अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं कि नहीं ये 10 रुपए मेरे को दिए थे मम्मी ने, कि नहीं 10 रुपए मुझे दिए थे, नहीं, पैसे को लेकर मायने नहीं, इंसान के मायने हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने बच्चों में पहले से ही डालते हैं, लेकिन क्योंकि हम संघ के तौर पर उनको नहीं डालते, तो हमारा बच्चा, हमारा कल्चर सीखने की जगह है, जो हेरिटेज है उसको पहचानने की जगह दूसरी जगह फंस जाता, कि भूत भगवान और ये सब, इन सब चीजों की बात ही नहीं करनी, बच्चों को किसी तरह का डर या भय या संशय उनके मन में नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे तो संघ खड़ा है ना, उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है, सारे उनके साथी उनके साथ खड़े हैं। ये जब तक
आपका डर नहीं निकलेगा मन से जब तक आप संघ से नहीं जुड़ेंगी। जितनी हमारी समड़ियां हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, जब तक आप नहीं जुड़ेंगी और आप अपने अपनों को नहीं जुड़वाएंगी, तब तक आपके मन से डर नहीं हटेगा। आपके मन से डर नहीं हटेगा तो आपने बच्चों के मन से, आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उनके मन से डर कैसे निकालेंगे? तो ये आपको बिल्कुल, जो हमारे समाज की सोसाइटी होती है उसका जो सबसे ग्रास रूट लेवल यूनिट जो होता है उसको एक सिंगल न्यूक्लियर फैमिली की मियाँ बीवी और बच्चे, कि पति पत्नी और जो छोटे जो बच्चे हैं वो, इसको सबसे न्यूक्लियर, इसको सबसे ग्रास रूट लेवल यूनिट बोला जाता है एक सोसाइटी का। क्योंकि समाज परिवार से बनता है और परिवार में जो आप नींव के अंदर डाल दोगे, जो आप शुरू से सिखा दोगे, वही उस परिवार को बढ़ने की या उस परिवार के आगे बढ़ने की, उस परिवार के डेवलप होने की, उस परिवार को और ज्यादा सशक्त होने की ताकत देता है। तो जितना ज्यादा हमारी औरतें, हमारे संघ की बातें, जो कुछ औरतें हैं जो समाज में काम भी कर रही हैं, जो हमारी स्पोक हैं वो बहुत मेहनत कर रही हैं और औरतों को जोड़ रही हैं, खींच खींच के लेके आ रही हैं, बार बार उनको जोड़ रही हैं, बार बार उनको जुड़वा रही हैं कि नहीं आओ नहीं आओ, पीछे पड़ी हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं। लेकिन जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो, जिनको लगता है, जिनको थोड़ी शर्म आती है पोर्टल पे जुड़ने पे, जिनको बात करने में थोड़ा हिचक है, जिनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं इतने लोग हैं मैं क्या बोलूंगी, मैंने कभी नहीं बोला ऐसे, उन महिलाओं से ये अनुरोध है कि आप बाकियों से बात करने से पहले, बाकियों को जोड़ने से पहले, अगर आपको अपनी हिचक हटानी है तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाएं। आप अपने बच्चों से बातें करेंगे, जब वो आपसे सवाल पूछेंगे, बच्चे बहुत द मिरेकल्स ऑफ लाइफ, तो बच्चे जिस तरह के सवाल पूछेंगे ना, वो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपसे बड़े भी ना पूछें, उनके सवालों के जवाब दे दिए, उन्हें सम समझा दिया तो मतलब सब ठीक है, मतलब आपको सम समझ में आ गया, आपने अपने बच्चों को समझा दिया, मतलब आपने आधा काम तो कर ही दिया अपनी जनरेशन के लिए, आगे के लिए। तो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो, उनको ये मौका मिला है समाज में पहली बार पुरुषों के बराबर आके काम करने का, इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। आप अपनी, आपको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, प्लीज बस अपने आस पड़ोस के लोगों में ये फैलाएं, अपने बच्चों में ये फैलाएं। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएं, क्योंकि आपके लिए आपका जो पूरी दुनिया है वो बच्चे ही होते हैं, है ना? तो इसीलिए आप अपने बच्चों को जोड़ेंगी तो आपका परिवार जुड़ेगा, आपके बच्चे जुड़ेंगे, वो अपने भाई बहनों को बताएंगे या आप अपनी सखियों को बताएंगे, वो ऐसे धीरे धीरे करके आपका समाज जुड़ेगा। अच्छा, संघ से सिर्फ आपको गोल्डन नियम या अमर्त्य विनय सीखने नहीं है, संघ आपको बहुत तरह की प्रोटेक्शन या आपको बहुत तरह का सपोर्ट देता है, संघ आपको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पहचान देता है। जो हम इतनी सारी समड़ियां यहाँ जुड़ी हुई हैं, हमें नहीं पता था कौन कहाँ थी कौन कहाँ थी, सब समड़ है, सभी इसी समाज के लोग हैं, हो सकता है कि बहुत लोग काम भी कर रहे हो समाज के, लेकिन हम सब किसी को जानते नहीं थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी एक दूसरे के लिए। लेकिन आज की तारीख में जो हमारा समड़ संघ है, इसकी वजह से चाहे किसी भी राज्य में बैठा हो, चाहे भारत के अंदर का हो, चाहे भारत के बाहर बैठे हो, किसी भी देश में, विदेश में कहीं भी बैठे हो, जितने समड़ हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, उनकी आपस में पहचान होती जा रही है। क्योंकि आपकी पहचान हो रही है तो आप एक दूसरे को जान रहे हैं, मिल रहे हैं डेली 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 मीटिंग्स के थ्रू, ऑनलाइन आप मिल रहे हैं, आपकी मिलके बात होती है तो आपका अपनापन बढ़ता है, आपका अपनापन बढ़ता है तो आपको उन लोगों से किसी भी तरह का सहयोग चाहिए हो, कोई सपोर्ट चाहिए हो, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, हमारी अगर कोई समण महिला जो डॉक्टर है, वो हमारी बाकी महिलाओं को किसी भी तरह की अगर उन्हें परेशानी हो तो वो उनको ऐसे ही मदद कर सकते हैं, जो पहले आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था क्योंकि आप समाज में जुड़ नहीं रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, आपकी कोई पहचान नहीं थी, आपको ये नहीं पता था कि आपके अंदर हिचक थी किसी जाति को लेके या किसी भी चीज को लेके, आपके अंदर हिचक थी कि नहीं अपने नहीं। लेकिन आज संघ ने हम सबको एक ही पहचान दी है कि हम सभी समण हैं। तो आप, जब हम सब समण हैं तो आपको किसी इलाज के लिए चाहिए, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, और प्रदेश में जा रहा है उसके सपोर्ट के लिए चाहिए, आपको हर तरह से समण संघ, इस माध्यम, ये जो माध्यम है, इससे हर तरह से समर्थन आपको सहयोग पहुंचा रहा है, आपका साथ दे रहा है किसी भी तरीके से। दूसरी बात,
जो हमारी महिलाएं हैं, कभी भी आप देखेंगे महिलाओं में जुड़ने जोड़ने का जो एक भाव होता है वो नेचुरली होता है। मतलब कभी भी आप देखेंगे तो महिलाओं में ईगो क्लैश या किसी भी तरह का अहंकार या किसी भी तरह की मैं कि मैं हूं, ये बहुत कम होती है। महिलाएं कहीं से भी आती हैं और कहीं भी एक साथ अगर बैठी हैं, किसी ट्रेन में ही सफर कर रही है, एक महिला दिल्ली से बैठी है, एक गुजरात से बैठी है, पंजाब से बैठी है, और वो एक ही अगर बोगी में बैठी है, तो जो अपने घर से लेके आएंगी वो भी शेयर करेंगी और जो अपनी मन की बातें होंगी वो भी शेयर करेंगी। महिलाएं बड़ी आपस में बड़ी आसानी से घुल मिल जाती हैं। कहीं आप घर से बाहर निकल के 5 कदम पे, 10 कदम पे, 100-200 मीटर पे किसी सब्जी वाले से अगर ठेले पे रुके हो तो, और कहीं और से कोई महिला आई है तो सब्जी वाले के नाम पे कि भैया ये इतने का क्यों, इतने का क्यों है, टमाटर इतना महंगा क्यों है, प्याज इतनी महंगी क्यों है, वो दोनों महिला मिलके वो सब्जी वाले पे चढ़ जाएगी कि नहीं भैया इसे कम कर। कैसे होता है ये? क्योंकि महिलाओं के अंदर ही जुड़ने का भाव है। इसीलिए कहा जाता है कि महिला जो होती है वो घर परिवार को जोड़ने का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, गोंद, सबसे बड़ी ग्लू महिला होती है। क्योंकि महिलाओं के अंदर से ही आता है कि नहीं इसे जोड़ लेते हैं। कभी देखे हमारे समाज में कि कोई महिला ही शादी करके अपना घर छोड़ के दूसरे घर में क्यों जाती है, और जब जली भी जाती है तो अपना घर तो संभाल के रखती है लेकिन उस दूसरे घर के सारे जितने होते हैं उन परायों को भी अपना कर लेती है। ये कैसे कर सकती है महिला? कैसे आता है? ये तो सिखाते नहीं है हम अपनी बेटियों को, ये थोड़ी सिखाते कि जाके अच्छे से, हाँ ये सिखाते कि अच्छे से बात करना, ढंग से रहना, लेकिन ये जो अंदर से एक भाव आता है कि नहीं ये भी मेरे अपने हैं, मेरी यहाँ शादी हुई है, ये जो घर वाले हैं सब नए हैं, ये भी मेरे अपने हैं, ये कैसे करती है महिला? क्योंकि महिलाओं के अंदर शुरुआत से ही जो हमारा बेसिक, जो हमारा मूल ढांचा है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो जुड़ने जोड़ने पे ही आधारित है। हम हमेशा साथ रहना चाहती हैं। जितनी महिलाएं हैं कहीं से भी हों, कैसी भी हों, हम समर संघ की संगतियों में जाते हैं, इतने प्रदेशों से महिलाएं आती हैं, लेकिन जब सब साथ बैठती हैं तो अपना खाना खोल के भी बैठती हैं, एक दूसरे की साड़ी भी देखती हैं, अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये गहना बहुत अच्छा है, घुल मिल के एक साथ। अंत में जब संगति से बाहर निकलती हैं तो सब अपने फोन में एक एक सेल्फी लेके निकलती है कि हाँ अब से ये सारी मेरी दोस्त है। ये कैसे कर लेती है महिलाएं सिर्फ एक संगति में मिलके 2-4 घंटे के अंदर, ये कैसे करती हैं? क्योंकि हम जो है, हम जो महिलाएं हैं, हम अपने परिवार को जिस तरह से संजो के रखते हैं, जिस तरह से जोड़ के रखते हैं, उसी तरह से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने समाज को भी जोड़ के रखें, परिवार के साथ साथ समाज भी जोड़ के रखें। जितनी हमारी महिलाएं हैं वो ये कर सकती हैं, उनके लिए बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की देरी है। बस आपको पोर्टल पे जुड़ना है, एक लिंक आता है व्हाट्सएप पे, आपको वो क्लिक करना है और धीरे धीरे करके आप हर दिन ना बोलें लेकिन आप हर दिन जुड़े, आपको वीडियो खोल के रखने की जरूरत नहीं है, सजने संवरने की जरूरत नहीं है, आपको बस पोर्टल में जुड़ना है, वीडियो बंद रखें, अपना माइक बंद रखें, बस सुने, सुनेंगी तो उस चीज से बहुत हिम्मत आती है। क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत महिलाएं हैं, बहुत समणियां हैं जो बहुत दमदार बोलती हैं, और उनके जब वो बोलेंगी और उनकी बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये भी बोल सकती है तो मैं भी बोल सकती हूँ, इतनी समझ तो मुझे भी है, ये तो बहुत इजी सी बातें हैं जो 10 हमारे मतलब है ना, ये तो हम नेचुरली, ये तो हमें पता ही है, ये तो होते ही है, हमारे लोगों के ही है, ये तो हमें तो पता ही है, ये बातें कुछ नई थोड़ी ना है। बस किसी ने इस तरह से समझाई नहीं थी कभी भी, इतने सालों में हमारी पूरे लाइफ में या हमारे पूर्वजों में कभी किसी ऐसे बताई नहीं गई, लेकिन आज आपके पास ये मौका है कि आप जुड़ें, ये बातें सुनें, आगे रिपीट करें, अपने बच्चों को बताएं, उनके सवाल जवाब से उनको जवाब दें जो उनके सवाल होंगे, और धीरे धीरे करके आपको भी बोलना आ जाएगा। जिस दिन बोलना आ जाए उस दिन अपने भाभी, नंद, बहन, मौसी, माता जी, फूफी, जो भी हैं आपकी, जो भी हैं आपके सर्कल में आपकी फ्रेंड्स होंगी, उनसे भी इस चीज पे चर्चा करें। जितनी चर्चा करेंगी, जैसे सब्जी की रेसिपी के बारे में चर्चा करती हैं, कपड़े लत्ते के बारे में चर्चा करती हैं, गहने के बारे में चर्चा करती हैं, मार्केट के बारे में चर्चा करती हैं, ऐसे ही संघ के ऊपर भी चर्चा करें।
संघ के ऊपर चर्चा करने से आपका बहुत ज्यादा फायदा है, सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का बहुत ज्यादा फायदा है, सिर्फ परिवार का ही नहीं, आपका धीरे धीरे करके पूरा समाज का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से आप हमारे संघ को बहुत ज्यादा सशक्त करेंगी, संघ का सहयोग पाएंगी, संघ से आपकी एक नई पहचान बनेगी, इस चीज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इतनी ही बात मैं कहना चाहूंगी, अगर मेरी बात किसी को कुछ गलत लगी हो तो मुझे क्षमा करें। संघ नमा। साधु साधु साधु, बहुत बहुत सुंदर जागृति बहन जी, बहुत बढ़िया जागृति बहन जी, बहुत ही साधु साधु साधु, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, साधु बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद बहन जी, साधुवाद सभी का, साधु बोलो। साधुवाद सभी का, बोलो साधु 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 छोटू सवन संगी साधु 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 साधु। जय भीम बोलो। जय भीम, वेरी गुड, जय भीम, जय भीम। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्मं शरणं गच्छामि।